हेलो, माय नेम इज शितेश श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। आज मैं एक बहुत महान हस्ती के साथ हूँ जिनका नाम है चिंतन शारदा। एंड इन्होंने एक फिल्म बनाई है, आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है शून्यता, जिसमें जैकी श्रॉफ थे। एंड यू कैन फाइंड इट ऑन गूगल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ही इज ऑल्सो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ही हैज ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। ही हैज वर्क इन डॉन टू एज वेल, आई गेस आई एम राइट। एंड ही हैज वर्क इन मेनी फिल्म लाइक दैट एंड ही इज ऑल्सो एक्टेड। आई जस्ट केम टू नो दैट यू एक्टिंग इन फिल्म एज वेल। तो वो आपने तो एक्टिंग मतलब एक सो वेरी कैमियो रोल है। आई एम नॉट रियली एन यू विल एक्टर, बी बट कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट बिकॉज इफ यू सर्च हिज नेम यू विल फाइंड हिम एज एन एक्टर। सो दैट इज वन थिंग आई डिडंट नो अबाउट हिम। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिम। तो चिंतन जी, आप मुझे ना मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे जर्नी के बारे में बताया कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी और कैसे आप फिल्म लाइन में आए और कैसे इंटरेस्ट आया आपका फिल्म लाइन में। इंटरेस्ट तो मतलब पहले से, आई थिंक फ्रॉम स्कूल टाइम आई ऑलवेज वाज इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। यू नो, आई यूज्ड टू डायरेक्ट प्लेस फॉर माय स्कूल, आई यूज्ड टू एक्ट इन दोज प्लेस एज वेल, लाइक लीड रोल ले लेता था मैं। तो यू नो, दैट्स ऑलवेज बीन समथिंग, बट देन आई ऑलवेज थॉट यार इसमें करियर तो नहीं बनेगा, मतलब यू नो, किसी को जानते नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है। सो एक्चुअली फॉर फ्यू ईयर्स आई वर्क इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। मैं मेरा लास्ट कॉर्पोरेट जॉब वॉज इन विद यूबीएस इन लंडन। तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में थोड़े साल काम कर रहा था। I worked with companies like JP Morgan, Edelweiss. So the few years I was doing that, or फिर I think I started doing well there. So I thought कि यार maybe I can give it a shot करके। आप कहाँ से फिर बेसिकली? मैं बड़ा गुजरात में हुआ हूँ। बड़ौदा अच्छा। इज वेर आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई लाइफ। फ्रॉम सेकेंड टू इलेवेंथ आई वॉज इन बड़ौदा, एंड देन आई केम टू बॉम्बे फॉर कॉलेज। एंड अच्छा। फिर बॉम्बे में फिर आई वॉज आई वर्क देयर फॉर फ्यू ईयर्स, एंड देन आई वेंट टू लंडन फॉर ईयर। और फिर वहां से वो छोड़ के फिर यहाँ पे वंस आई डिसाइडेड कि फिल्म इंडस्ट्री में आना है, तो लंदन का जॉब छोड़ के इंडिया आ गया वापस। और देन आई स्टार्टेड द फर्स्ट जॉब दैट आई गॉट, आई मीन यू कांट टेक्निकल कॉल इट अ जॉब बिकॉज आई डिडंट गेट पेड ऑन दैट, वाज आई एक वाज अ ट्रेनी कॉमन है। असिस्टेंट। हाँ, तो फर्स्ट फर्स्ट गिग नॉर्मली ऐसा होता है। सो आई वाज अ ट्रेनी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन राज टू, अच्छा, लास्ट विच टू। हाँ मोहित सूरी डायरेक्टेड नाउ आई राज टू। रिमेंबर, दैट्स वेयर यू एक्टेड एक्चुअली। I acted in that. I acted in actually Shokins also. I was Akshay Kumar's bodyguard in Shokins. Then I acted ek ek मतलब there was a shot where he improvised and he started hitting me. You know, where there was something which he didn't tell me he was going to do, and it was fun. So I like acting, but although it's not something which I pursued seriously. और उसके बाद फिर and just to clarify, Don 2 में, I mean I was not a chief AD. I was a second second AD on that. I've been a first AD on TV commercials. I've you know worked on other films, but I've not I've worked the second AD on Tere Bin Laden and Shokins and all those films. So वहाँ पर वो था। और उसके बाद फिर I wanted to I pitched a script of mine to a production house. They really liked it, but they said कि यार तूने कुछ डायरेक्ट किया नहीं अभी तक, तो हम लोग कैसे, मतलब तूने जो भी बनाया बहुत छोटा छोटा फिल्म स्कूल टाइम पे बनाया। तो देन आई वेंट टू फिल्म स्कूल, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई वेंट टू फिल्म स्कूल आफ्टर राज टू। आई वेंट टू फिल्म स्कूल कौन सा फिल्म स्कूल? एंड आई वेंट टू विस्लिंग वुड्स। अच्छा, विस्लिंग वुड। हाँ, सो आई स्पेंट 2 years बिकॉज आई रियली बिलीव दैट फॉर्मल एजुकेशन हेल्प्स, स्पेशली यू हाँ, नो आई थिंक ट्रू। इन एनी इंडस्ट्री फॉर्मल एजुकेशन हेल्प्स। यू गेट दैट टाइम टू फाइंड योर वॉइस, टू जस्ट यू नो अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू मेक, हाउ यू वांट टू मेक इट। तभी कुछ मार्केट प्रेशर नहीं होता, तभी कुछ यू नो वो काम का प्रेशर नहीं होता, तभी आर जस्ट थिंकिंग, मेकिंग, क्रिएटिंग। सो आपने कौन सा कोर्स दैट किया था वहां से? डायरेक्शन मैंने डायरेक्शन का किया था। सो आई का। स्पेशलाइज इन डायरेक्शन। पहला 6 महीना तो इट्स सपोज टू बी अ कॉमन सेमेस्टर। अभी तो चेंज हो गया, अभी आई थिंक दे हैव 3 ईयर कोर्सेज। बैक इन आर डे वी हैड 2 ईयर कोर्सेज, एंड सो 1.5 साल फिर डायरेक्शन होता। एवरी एंड ऑफ द सेमेस्टर वी मेक अ शॉर्ट फिल्म विद द बैचमेट्स। तो वो भी एक होता है यू नो वेर यू काइंड ऑफ राइट टुगेदर एंड यू नो यू फिगर आउट किसके साथ काम करना है, किसको कास्ट करना है। तो इट्स नाइस फिल्म स्कूल एक्सपीरियंस। आई मीन दैट्स नॉट द ओनली वे टू लर्न, लॉट ऑफ पीपल लर्न वाइल असिस्टिंग ऑल्सो, देर ऑल्सो ग्रेट वे टू लर्न। ऐसा कुछ यू नो देर आर देर नो बुक्स एंड यू रूल्स नो देर आर एक्चुअली। या देर आर नो रूल्स एट ऑल। यू नो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लर्न, वॉट यू प्रिफर, एंड एवरी वे वर्क हियर। यू नो लाइक सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स हैव नेवर बीन टू फिल्म स्कूल। सो दैट्स डेफिनेटली आई वुडन्ट से दैट्स यू नो नेसेसरी थिंग। बट हाँ, फिर उसके बाद देन सो द प्रोडक्शन हाउस दे काइंड ऑफ पुश्ड मी टू मेक माय यू नो फर्स्ट लाइक शॉर्ट फिल्म आफ्टर द फिल्म स्कूल। एंड सो आई रोट अ स्क्रिप्ट विद जैकी श्रॉफ इन माइंड, एंड आई थॉट कि वो तो कभी होने वाला है नहीं, मतलब लिख लेते अभी, तो इस विल फाइंड समवन लाइक हिम। बट देन आई अप्रोच्ड हिम एंड यू नो ही लव्ड द स्क्रिप्ट एंड ही केम ऑन बोर्ड, एंड इट वाज अमेजिंग। ही वर्क फॉर फ्री, एवरीवन वर्क फॉर फ्री एक्चुअली। यू नो आई काइंड ऑफ पीस्ड इट ऑल टुगेदर, आई टुक अ लोन एंड आई मेड द फिल्म। हाँ, एंड सब सब लोग ने बहुत हेल्प किया, यू लोग एक्चुअली इतनी टुक अ फ्री में आए थे। लोन।
हाँ मतलब आई हैव मतलब इट वाज समथिंग व्हिच आई कुडंट हैव जस्ट मेड इट बाय मायसेल्फ सो आई हैड टू टेक अ हाँ लोन बिकॉज़ एज एन एडी हाँ फिर जैकी ऑब्वियसली श्रॉफ आपको मिल रहा था तो लोन लेना फिर जस्टिफाइड हाँ था। मतलब इट्स सी आई मीन आई वुड से शॉर्ट फिल्म के लिए यू शुड आइडियली नॉट पुट इन अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज़ मोनेटाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हाँ बट लाइक अभी राइट नाउ मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म विद नसीरुद्दीन शाह एंड रसिका दुग्गल सो दैट वन इज अ सैंक्शन शॉर्ट फिल्म आई हैव गॉट अ प्रोड्यूसर हु इज पुटिंग इन द मनी एंड यू नो इट्स गोइंग टू गो ऑन अ प्लेटफॉर्म सो दैट्स ऑल सो आई एम नॉट पुटिंग इन माय ओन मनी पहला बट शॉर्ट फिल्म ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो आपको कौन वो एक ऑब्स्टेकल होता है जो मेरे ख्याल से क्रॉस करना जरूरी होता है सबको, एक ऑब्स्टेकल क्रॉस हो गया देन इट बिकम्स इजी। सो वही था मतलब तो आई मेड दैट शॉर्ट फिल्म एंड यू नो दैट वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स इट एक्चुअली वन एट एन ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल इन एलए एंड काफी अवार्ड में जीती काफी यू नो आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी आफ्टर दैट एंड व्यूज भी यू नो इट इट क्रॉस 1 मिलियन प्रीटी सून हाँ सो इट इट वाज वेरी गुड रिव्यूज ऑल्सो फिल्म कंपनी ऑल्सो रिव्यूड इट इंडियन एक्सप्रेस रिव्यूड इट क्वाइट अ फ्यू पब्लिकेशन रिव्यूड इट सो इट वॉज वेरी इंकरेजिंग इट वॉज वेरी नाइस टू सी द एक्चुअली रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं किसी से बात कर रहा था तो आई वाज टेलिंग हिम कि मैं चिंतन शारदा जी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, एंड इट इमीडिएटली टोल्ड मी ही वाज नॉट फ्रॉम फिल्म लाइन, ही टोल्ड मी अच्छा वो सुनीता के डायरेक्टर, ही न्यू योर नेम, सो आई वाज लाइक अच्छा मतलब इट्स That is फेमस फिल्म। surprising. I am not at all famous, and I wonder how he remembered. But good नहीं to पर आजकल know. YouTube की वजह से ना लोग बहुत एक्चुअली ये सब शॉर्ट फिल्म देखने लगे हैं, खासतौर पे इस तरह की शॉर्ट फिल्म जो कि क्रिटिकली एक्लेम्ड होती हैं, जो पसंद आती है लोगों को। सो आपका डायरेक्शन हमेशा इंटरेस्ट जो था हमेशा से डायरेक्शन में था, या फिर आपने सोचा नहीं था कि बस जाता हूँ देखता हूँ क्या होगा वहां पे नहीं मुंबई में? डायरेक्शन में ही था प्राइमरली डायरेक्शन में ही था देन इवेंचुअली आई आल्सो स्टार्टेड लाइकिंग राइटिंग अभी मैं इनफैक्ट एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए एक शो भी लिख रहा हूँ सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नो आई इवेंचुअली गॉट इनटू इवन जो मैं डायरेक्ट करता हूँ मोस्टली मैं एटलीस्ट या तो को राइट करता हूँ या तो खुद पूरा लिखता हूँ अभी अभी भी जो बना रहा हूँ शॉर्ट फिल्म वो भी मैंने लिखी है सो राइटिंग इज ऑल्सो समथिंग व्हिच आई रियली एंजॉय डूइंग सो इट्स राइटिंग एंड डायरेक्शन और अच्छा लिटिल बिट ऑफ एक्टिंग लाइक यू सेड हाँ बट तो पहले जब आप मुंबई में अपना आपने पहली फिल्म जो करी थी वो लास्ट टू थी, हाँ एज एन एडी है दैट वाज तो वहां पे फर्स्ट आपको काम कैसे मिला सो वो स्पेशल भी रोल? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है सो मैं किसी को जानता नहीं था पहले तो मतलब एंड आई वाज वेरी नाइव यू नो आई हाँ मैं कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेक्शन अच्छा, से था आपका तो फैमिली से फिल्म लाइन का कोई मतलब नहीं है, फैमिली कोई भी फिल्म? कनेक्शन नहीं है कोई भी नो वन दूर दूर तक कोई नहीं है जो फिल्म हाँ इंडस्ट्री में है तो हाँ मैं मतलब बीइंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड मैं सब जगह ऐसा मतलब टाई वाई पहन के जाता था और यू नो आई यूज हाँ टू लाइक जस्ट लैंड अप इन प्रेजेंट योर प्रोडक्शन रिज्यूमे। हाउस हाँ मतलब तो मुझे लगता था ऐसे ही होता होगा यहाँ पे ऐसा होता हाँ है यहाँ पे वैसे ही होता होगा फिर वहाँ पे कोई मतलब भाव देता नहीं था कि अरे किसी को लगता है कुछ हाँ बेचने आया हो ना दे वुड फील दैट हाँ कोई सेल्समैन आ गया है कोई सो वो दैट वाज नॉट वर्किंग देन आई स्टार्टेड आस्किंग माय फ्रेंड कि भाई तुम किसी को जानते हो कोई एनी फिल्म इंडस्ट्री पर्सन यू नो सो अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड अ फ्रेंड हु वाज अ फ्रेंड ऑफ मोहित सूरी मतलब वो दो अच्छा लेवल का दो लेयर का वो था हाँ सो ही सेड कि बट यार दैट फ्रेंड इज गुड इनफ फ्रेंड ऑफ माइन उसका दोस्त भी अच्छा दोस्त है तो वो करेगा फोन करेगा एटलीस्ट मतलब चलो यार हाँ करो यार किसी को जानते हो तो हाँ आई एम नॉट गेटिंग टू मीट एनी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हाँ तो फाइनली ही सेट अप दैट कॉल एंड ही मोहित से कि चलो मिल लूंगा मैं यू नो व्हेन हाँ अ गुड फ्रेंड कॉल्स यू गिव दैट टाइम राइट सो मोहित हाँ ने तो मेट मी मैंने बोला कि यू नो आई वुड लव टू असिस्ट यू और यू नो व्हाटएवर रोल यू हैव आई हैव एक्चुअली नो आइडिया व्हाट हैपेंस मैं लर्न सो ही सेड नहीं मेरा अभी तो टीम तो भर गया है अभी तो राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीवन बट यू कम एंड वॉच अ शूट मैंने ठीक है चलो शूट देखने को मिलेगा वो भी अच्छा है आई हैव नेवर सीन अ शूट तो एक कुछ सीखने को मिलेगा देन दैट शेड्यूल केप्ट गेटिंग पुश्ड मतलब पहले कुछ अक्टूबर में होने वाला था शूट फिर दिसंबर में हो गया फिर जैन फेब और मैं बार बार मोहित को फोन कर रहा हूँ मोहित मैं कब आऊँ मैं कब आऊँ फिर मोहित पक गया इज लाइक तू है ना आके टीम ज्वाइन कर ले मेरे को बार बार बहुत तू तंग कर रहा है सो आई सो ही जस्ट गॉट मी ऑन टू ज्वाइन आ द ही टीम जा तो मतलब वही था वही टोल में देख पैसा वैसा नहीं मिलेगा यू नो इंटर्न होगा तो मतलब ठीक है मुझे चलेगा तो आई जस्ट ज्वाइंड एंड या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड सो फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि यार अभी सीखना पड़ेगा ये चीज, तो आपने फिर विसलिंग बुट ज्वाइन किया। हाँ मतलब वही बिकॉज दैट्स दैट हु आई एम यू नो मेरा भी एक जमाने में जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग परस्यू कर रहा था आई थॉट मे बी आई डू एन एमबीए यू नो इवन दो आई वाज वर्किंग यू नो इन अ गुड कंपनी एट अ डिसेंट प्लेस आई स्टिल थॉट कि नहीं यार इसके बारे में लेट मी स्पेंड 2 years जस्ट स्टडिंग फॉर अ करियर आई वॉन्ट टू मेक सो सेम फिलोसॉफी आई अप्लाइड हियर एंड इट हैज हेल्प मी एंड बट आई रियली थिंक फिल्म मेकिंग कैनॉट बी टॉट इट कैन बी ट्रू फेसिलिटेटेड यू नो यू कैन लर्न यू कैन यूज दोज टूल्स यू कैन टू यूज You know, the equipment of your peer group, your teachers, books, you can use all that to teach yourself filmmaking. But it's not like a science ka koi, हाँ you know, it's not a maths theorem or some theory, you know, which can be imparted and, you know, you can learn exact science through that. It's not. So it can be facilitated. So I think that's what any film school can do. Then it's up to you how much you take ट्रू from that.
अच्छा एक क्वेश्चन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं और अक्सर पूछते हैं, बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, वो ये है, जैसे जब मैं मुंबई आ रहा था तो घर वाले थोड़ा सा तो रेजिस्ट करते हैं, तो सबके माँ बाप जो है जो मुंबई से बाहर, जिन्होंने फिल्म लाइन नहीं देखी, तो ऑलवेज से डोंट गो इनटू फिल्म लाइन, डोंट गो इनटू फिल्म लाइन, तो ऑलवेज आस्क मी कि कैसे उनको मनाया। तो आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हुआ क्या कि मतलब आप फिल्म लाइन में अपना डिस्क्लोज किया कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग छोड़ के फिल्म लाइन में जा रहा हूँ, एक रिस्की बिजनेस में जा रहा हूँ जिसमें मैंने पहले कभी किसी ने हाथ नहीं डाला है, तो क्या रिएक्शन आया था घर पे? या नो, दे वर कंप्लीटली अगेंस्ट इट. मतलब माय पेरेंट्स, दे बिकॉज़ दे हैड नो आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री. यू नो, दे वर रियली एंग्री एंड दे वर रियली सैड कि यार ये क्या कर रहा है, अपना करियर पागल बर्बाद हो कर गया है। रहा है. यू नो, लंदन से जॉब छोड़ के इधर इंडिया में आ रहा है और कुछ है नहीं. और पहला जॉब फिर मैंने फ्री वाला ले लिया, तो कहता है ये फ्री में काम कर रहा है अभी. मतलब यू नो, इतना लाइक पढ़ाया लाइफ लिखाया बच्चे को। लाइफ बर्बाद हो गई. मतलब यू नो, वो था. बट देन आई थिंक धीरे धीरे व्हेन दे सी कि नहीं यार, यू नो, देर आर थिंग्स यू कैन डू इन द इंडस्ट्री. यू नो, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू आर एट इट, यू कैन अचीव थिंग्स. यू कैन, यू नो, यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, इवन दो इट्स टफर देन ऑर्गेनाइज सेक्टर. मतलब कॉर्पोरेट में क्या होता है, एक करियर प्रोग्रेशन होता है कि चलो ये हो गया, अच्छा काम करोगे, मैनेजर बन जाओगे, ये करोगे. तो देर इज अ करियर पाथ इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज, इट्स कंप्लीटली डिपेंड. समटाइम्स सम स्क्रिप्ट यू पिच टू समवन 5 years बैक, सडनली कॉल आता है कि यार वो स्क्रिप्ट का क्या हो रहा है, कि कुछ नहीं हो रहा, चल बनाते हैं. यू नो, इट इट स्टार्ट लाइक दैट. सो एनी थिंग कैन हैपन, एंड बट यू हैव टू जस्ट इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी बाई क्रिएटिंग मोर, क्रिएटिंग, यू नो, वर्किंग एट इट. यू नेवर नो वेन इट हैपन. सो वो इफ यू बैडली वॉन्ट इट, ओनली देन यू कैन डू इट. यू नो, इफ यू थिंक यार मेरे को हॉबी है, मेरे को इंटरेस्ट है, चल मैं के कर ट्राई कर लेते लेता हैं। हूँ, हाँ हाँ, तो उससे नहीं होगा, उससे कुछ नहीं कई होगा. लोग मुझे भी ऐसे मैसेज करते हैं कि सर हम जॉब कर रहे हैं साइड बाय साइड कर सकते हैं, मैंने कहा भाई साइड बाय साइड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आपको एक्चुअली मेहनत करनी पड़ेगी इन सब चीजों के लिए। सो डॉन कैसे मिली आपको फिर? सो डॉन बेसिकली देयर वाज अ गाय आई यूज्ड टू लाइक, मेरे फिल्म स्कूल में एक था, मेरा बैचमेट था, ही वाज वर्किंग ऑन द फिल्म एंड देयर वाज अ वैकेंसी. सो देन दे वर लुकिंग फॉर समवन. ही लाइक, नहीं वेट, आई नो राइट जस्ट द गाय, बिकॉज आई हैड काइंड ऑफ, व्हेन ही वाज जॉइनिंग डॉन टू, आई हैड टॉट हिम लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई देख यार ये सेट, बिकॉज ही हैड नेवर बीन ऑन अ फिल्म सेट बिफोर दैट, एंड आई हैड. सो आई गिव हिम सम एडवाइस व्हिच ही रियली फाउंड यूजफुल. सो ही सेड कि नहीं यार, दिस गाय नोज, यू नो, व्हाट व्हाट्स हैपनिंग. सो ही इमीडिएटली गॉट मी इन एंड ही गिव अ वेरी गुड reference of mine. So I think the second DD liked me enough to then get me on. तो इस बारे में आपने बहुत अच्छी चीज बताई है, बहुत सारे बच्चे जो अभी जिनको मैं बताता हूँ मुझे मैसेज भी करते हैं, तो वो लोग पहली बार सेट पे जा रहे हैं, तो जो एडवाइस आपने उनको अपने फ्रेंड को दी थी वैसी कोई एडवाइस आप देंगे कि क्या सेट पे पहली बार जाके करें, किस तरह से बिहेव करें, किस तरह से डायरेक्टर से बात करें, या चीफ या असिस्टेंट डायरेक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए सेट पे? See, I think it's set एक ऐसा माहौल होता है कि जहाँ पे 5 मिनट में सबको पता चल जाता है कौन कितने पानी में है. यू नो, इवन अ लाइटमैन विल नो कि डायरेक्टर को काम आता है कि नहीं, की खड़ी को काम आता है कि नहीं, 5 मिनट में पता चल जाता है. यू नो, विथ योर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट यू डू, व्हाट यू से, व्हाट यू डोंट से. सो इट्स, आई एम नॉट सेइंग इट्स अबाउट प्रोजेक्शन, बट इट्स अबाउट, सी, एज अ जूनियर मोस्ट एडी, नथिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. यू नो, व्हेन यू गो इन, यू आर लाइक अ ब्लैंक पेपर. यू नो, यू जस्ट सपोज टू अब्सॉर्ब. यू कैन मेक मिस्टेक्स, यू कैन स्क्रू अप, इट्स ऑल ओके. यू नो, दे विल शाउट एट यू, यू हैव टू लिसन टू दैट एंड नॉट मेक दैट सेम मिस्टेक अगेन. यू नो, लाइक मैं पहला जॉब में आई यूज टू डू क्लैप, यू हाँ, नो, दैट उस पे साउंड तो थिंग, बहुत क्लैप, गाली पड़ती है। बहुत बहुत गाली, डीओपी के साथ तो बहुत वो होता था. बट देन अच्छा आफ्टर आफ्टर फ्यू बहुत बहुत डेज सारे आई लोग ना क्लैप को बहुत इजी समझते हैं, क्या करना है क्लैप है ऐसे तो मारना है, जब मैं भी ये सोच गया था, बट टर्न आउट इट वाज वेरी टेक्निकल एक्चुअली, लेंस देख के आपको क्लैप देना पड़ता यू टू अंडरस्टैंड फोकस, यू टू अंडरस्टैंड है। लाइटिंग, यू टू अंडरस्टैंड, यू नो, मैग्निफिकेशन, लेंसिंग, सब समझना पड़ता है. सो बट एना वही है कि मतलब इफ यू गो विद द एटीट्यूड कि भाई चलो गाली खाऊंगा, जो भी है सीखना है, यू नो, आई विल ट्राई एंड डू बेटर एट वॉट एवर आई हैव स्क्रूड अप, देन यू विल लर्न समथिंग. यू नो, देन यू विल रियली एंड बी एज यूजफुल एज यू कैन टू द डायरेक्टर, टू योर एचओडी. यू नो, इफ दे फाइंड वैल्यू इन यू, देन यू नो दे विल रिकमेंड यू टू प्लेसेस, देन यू विल गेट मोर जॉब, यू लर्न मोर बिकॉज दे विल इन्वॉल्व यू मोर इन थिंग्स. So it's about how much value you can give. You could be the junior most AD, but you could really give so much value to the director that he'll appreciate it and he'll make sure that he can help you with something. Maybe आगे जाके maybe he'll do that introduction for you. ये जो भी है. एक्चुअली मैंने एक चीज देखी है, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं सर सैलरी कितनी मिलती है इंटरनेट को, पैसा कित कब से मिलना शुरू होगा, दे ऑलवेज वरी अबाउट द मनी, बट द थिंग इज पहले चीज जो मुझे लगता है जैसे आपने बताया ईगो सेल्फ एस्टीम फेंक के जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ईगो सेल्फ एस्टीम दिखाया निकाल दिया सबसे। दूसरी चीज ये है कि आप जब सेट पे होते हैं देन यू हैव टू बी एन एसेट रेदर देन अ लायबिलिटी, इफ समवन इज पेइंग यू देन ही वांट्स समथिंग आउट ऑफ यू, अगर आप लर्न करने के लिए वहां पे गए हो या लायबिलिटी हो उसके लिए, तो वो आपके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहा है, आपको खिला भी रहा है, आपको कन्वीनियंस भी दे और आपको सैलरी भी दे आपके सीखने के लिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो इफ दे आर पुटिंग यू ऑन सेट देन दे वांट यू टू बी यूजफुल, जो आपने बोला बिल्कुल सही बात बोली, यू हैव टू बी एसेट ऑन सेट एंड यू हैव टू फिगर आउट कि आप एसेट कैसे बन सकते हो सेट पे। सो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शाहरुख खान के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
It was great, yeah. I mean, I was a big fan of his, so it was really great. And I mean, he has no airs about being a star. You know, I've been fortunate to work with some stars, and you know, what I loved about him and Akshay Kumar, you know, they are very real. They're very, you know, they are not ki yaar dekh hum log kahan pahunch gaye, hum log kaun hai, and that, you know, there was no attitude or arrogance which came with that. So it was very, there were a few times when I got to have a really nice chat with him, like short ke beech mein. Kuch hua de, I had one long 45-minute chat with Shahrukh, and that was amazing. You know, that was just like I got some pearls of wisdom. So it And was he's nice, very yeah. He, नॉलेजेबल एक्चुअली. तो yeah, yes. So, फरहान अब तक के डायरेक्टर डायरेक्शन में क्या सीखा आपने, क्या see, it's नोटिस very किया? difficult. It's difficult to quantify क्या मतलब ये सीखा. You know, there's the thing about filmmaking is even after film school you will not be able to tell anyone मैंने क्या सीखा. You know, हाँ, it's ट्रू. about the thing you internalize. You know, it's about understanding drama, understanding shot taking, understanding why you. Like, it's all तो creative इज वेरी choices. चिल Not. ऑन सेट फरहान. Yeah, he's very professional. Yeah, he's very, you know, he does his job. He expects people to do their job, and you know, it's a very very प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर. very professional atmosphere. So it's great. Yeah, it was very good experience, very good learning experience. सो हाउ वाज वर्किंग विद जैकी श्रॉफ? Jackie Shaw was also amazing. Yeah, he was such a down to earth person. Like, you know, it was the first time I was directing someone as big as him, but he made it very easy. Yeah. He did everything that you would do in a feature film. Like, I wanted to do a look test, he did a look test. I want to do, you know, readings and stuff, he did that. You know, and he was not being paid for that, but he gave so much time and effort. And like, we met so many times before the shoot to just discuss the character. And it's amazing to see the passion that he has. You know, it was amazing to, you know, like he could have just taken it very lightly. Ke, actually, it's a short film hai, you know, whatever, kaun dekhne wala hai, whatever. But he treated it like a proper professional project, which was a great learning. You know, you can't take any work not seriously. You know, everything, or don't do it. No, although I've actually worked with few people who were doing a favor to me. They were doing for free, but they're not giving the 100%. So मत करो ना, मतलब किसी को फेवर फेवर कर कर रहे रहे हैं हो तो तो फेवर की तरह ही कर रहे हाँ हैं. हाँ तो मतलब फिर मत करो सच. If you're doing something, then be really into it, and you know, be passionate about it. Otherwise, there's no point, especially in this industry, because the probability of success is low. You know, if you are not passionate about it, don't enter this industry. You know, it is True. really, you know, like I was saying, काफी लोग हॉबी के लिए आ जाते हैं, दे वेस्ट फ्यू इयर्स एंड देन दे लीव बिकॉज दे रियलाइज कि चलो यहाँ पे कोई दाल गलने वाली नहीं है. सो हाँ, दे एक्सपेक्ट मिरेकल्स. एक्चुअली मेहनत हाँ, ना सो करनी एंड पड़े, कुछ हो जाए अपने. हाँ, और शायद फर्स्ट मिरेकल हो भी जाए, बट यू नो, देन इफ यू नॉट वर्क ऑन योर क्राफ्ट, इफ यू नॉट, यू नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. यू नो, यू नॉट गोइंग टू रियली ग्रो. ट्रू. तो दैट्स व्हाट आई बिलीव. आपके एज अ डायरेक्टर आपकी इंस्पिरेशंस क्या हैं डायरेक्शन में? सॉरी, मेरा क्या डायरेक्ट आपके इंस्पिरेशंस, डायरेक्ट फेवरेट डायरेक्टर्स? इंस्पिरेशंस है? There are a lot of them, yeah. I've been really inspired by Hollywood in a big way. So I love Kubrick, I love Scorsese, I love Guru Dutt. You know, the like films like the Song of Kundan Shah films, which I really love, like Kabhi Yahan Kabhi Na. And you know, so like all over, yeah. I have my inspirations come from so many films, and you know, like even Roman Polanski, Chinatown is really one of my all-time favorites. So you know, I mean, I'm looking for या inspiration on my daily एक्चुअली basis. जब कोई पूछता है ना तो दिमाग से उड़ जाता है सब. मेरे साथ भी होता है, नहीं, आपने फेवरेट फिल्म बताई है, दिमाग से उड़ बट गया. उसके लिए अरे, मैं नॉर्मली माय फर्स्ट आंसर इज बैक टू द फ्यूचर. यू नो, दैट्स माय सपोज आपको, दैट आप दैट विश्वास नहीं मानोगे, मैं एक इंस्टीट्यूट है AFT, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैंने अभी स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू किया है, और उसकी जो पहली फिल्म है जो पहले दिन दिखा रहा हूँ वो बैक टू द फ्यूचर है. आई रोट दैट थिंग कि रॉबर्ट जेमेकिस एंड स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है. आप रॉबर्ट जेमेकिस ने डायरेक्ट किया है, स्पीलबर्ग ने प्रोड्यूस किया है, मस्ट वॉच है, जरूर देखने के लिए. अच्छा, आपने अरे, प्रॉमिस भी कर आई एम सच अ ह्यूज फैन. सी, आई हैव गॉट दिस विजुअल दिया. जर्नी बैक टू द फ्यूचर वेयर आई आई एम ऑल्सो एम अ बिग ह्यूज फैन ऑफ. फैन, बिग फैन. अच्छा, मेरे मामा एक्चुअली अमेरिका से कैसेट लेके आया था, तो एक ही कैसेट मेरे पास पड़ा था जिसको मैं बार बार देखता रहता था. अच्छा, सॉरी, यू 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 एक यू आर यू आर फ्रोजन. आई कांट हियर व्हाट यू सेड अभी. नहीं, यू आर अभी स्टक. अभी आई अभी थिंक माय वापस इंटरनेट इज. आएगा. हाँ, नहीं, आवाज आ रही है बच्चों, सुनना है और सब्सक्राइबर्स को. तो अब एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. जो लोग मुंबई में डायरेक्शन के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे, क्या प्रिपरेशन करें? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिल्म स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या मुंबई आके स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, तो घर से क्या प्रिपरेशन करनी है? अक्सर लोग ये पूछते हैं घर पे बैठ के क्या प्रिपरेशन करें, कि सिर्फ फिल्में देखें या सिर्फ किताबें पढ़ें या अपनी शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करें, जो भी आपको लगता है कि क्या करना चाहिए घर पे बैठ के, जो यूपी बिहार उड़ीसा में लोग हैं जो डायरेक्शन करना चाहते हैं, क्या आपको उनके एडवाइस है? सी, अभी तो इतने ऑनलाइन इतने टूल्स अवेलेबल है. लाइक, यू नो, इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू ऑपरेट अ कैमरा, हाउ टू, यू नो, डू बेसिक शॉट ब्रेकडाउन, हाउ टू डू थ्री पॉइंट लाइटिंग, यू
No, there are multiple courses. You can just learn the basics, make films. Like with your mobile, you can make short films, you know. So there are a lot of things you can do as a director to just hone your craft, to understand work kar raha, nahi kar raha, friends ko dikhao. You know, there are copyright free music available. You can use that as your background score. You know, mixing the software. There are so many free editing software, free mixing software. Everything is जो आज now से there. 10-15 साल पहले नहीं होता था, हाँ आपको हाँ कस्टमाइज तो सिस्टम खरीदने हाँ पड़ते थे उसके लिए। अभी मतलब यू कैन शूट अ 4K वीडियो विद अ फोन यू नो लाइक इमेजिन मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन यू कुड नॉट शूट 4K विद अ डिजिटल बिग कैमरा यू नो सो नाउ हाँ अभी तो लग्जरी है मतलब नाउ इट्स नॉट डिफिकल्ट इट्स वेरी डेमोक्रेटाइज द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग वेरी डेमोक्रेटाइज नाउ सो यू कैन रियली स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स यू नो व्हेनेवर यू नो विदाउट एनी बजट विद जीरो बजट यू कैन जस्ट मेक इट विद योर स्मार्टफोन व्हेरेवर यू आर लिविंग एंड जस्ट एंड सी इफ यू रियली लाइक इट इनफ यू नो वंस फर्स्ट यू सी वेरी डे इन डे आउट करना है तो इज इट समथिंग ऑफ रियल इंटरेस्ट टू मी कि मुझे खाली एक फैसिनेशन था कि नहीं यार फिल्म सेट पे जाने का मजा आएगा खाली वो नहीं है वो समझ लो और उसके बाद इफ यू स्टिल वॉन्ट टू टेल स्टोरीज देन यू नो यू फाइंड अ वे टू मेक योर लिविंग बॉम्बे में सर्वाइव करना वेरी डिफिकल्ट सो यू हैव टू ईदर ईदर बिकम एन असिस्टेंट डायरेक्टर और वट एवर यू यू नो यू कैन गेट और वट यू हैव मोर इंटरेस्ट इन बिकॉज टू बी ऑनेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का रोल इज नॉट रियली सिमिलर टू अ डायरेक्टर रोल असिस्टेंट डायरेक्टर इज प्योर यू नो इट्स handling a set, it's managing a set, planning, it's very production driven. So it's it's not actually creativity event management. driven. It is event, it's event management, you know, you'll have to make sure actor dates are correct, you have to schedule the film, you have to, you know, make sure all the art and costume is in place. So, or director, khali creative, I think you आजकल know, role assistant होता director है. time script से ज़्यादा Excel sheet पे बीतता है। So, but हाँ मतलब वही है you have to figure out a way to sustain yourself. And while you do that, you keep writing. If you can, if you don't want to write, then maybe collaborate with someone who is writing. You know, you meet a lot of people on the film set. You know, you'll meet like-minded people. You work with them. You shoot with them. You know, there's so many examples of people who you know just met on the film set, collaborated, and they've become national award-winning filmmakers. And you know, it's about finding your peer group here. It's about you know understanding what kind of stories you want to say. You know, with even though I'm saying that eating may you can't. It's not direction related, but you can learn. Being on a film set, you could be a spot boy and you could still learn. You just watch how someone's doing something, and you know what would you have done, and you know things are working, not working. To observe, you can do any role on a film set. You know, you could be an assistant camera to learn. सही अच्छा आप advertising में कैसे आप आपका जाना हुआ सो एडवर्टाइजिंग में टू बी ऑनेस्ट आई नॉट वर्क दैट मच मैंने एक आईकिया के लिए एक कमर्शियल डायरेक्ट की थी मैंने और यू नो थोड़ा बहुत कॉपरेट में किया था बट अदरवाइज आई हैव बीन अ फर्स्ट एडी ऑन कमर्शियल्स आई हैव नॉट डायरेक्टेड मच ऑफ कमर्शियल्स तो वो तो मतलब सी एडवर्टाइजिंग इज ग्रेट मनी सो यू नो इवन एज एन एडी यू कैन रियली ऑन अ पर डे बेसिस यू कैन मेक वेरी गुड मनी विच इनफैक्ट व्हेन यू स्टार्टिंग आउट फिल्म्स विल नॉट गिव यू दैट मच मनी So that's a good way to also sustain yourself if you you know want to try that. And there are a lot of ads being made. There are a lot of digital films and TV commercials being made. There are so many 200-300 production houses in Bombay mein, which are making that. You know, agar wo, if you in fact, I will suggest this tool. afx.com करके एक साइट है. True. afx.com उसमें एक डायरेक्टरी का लिंक है. और उसमें if you click on the commercial like production houses. All the production houses are listed with their address, with their phone numbers. So that's a great way to start approaching people. If you are new, you know, you can just land. On, well, ADs are hired by producers and, you know, whatever. Producers, executive people, producers. In TV commercials mostly. So, you know, otherwise films, made, a lot of them are kind of driven more by first ADs, I'm guessing. चलो आपने भी मेल रिज्यूमे अपना मेल किया था और उसमें सही जगह आपको शुरुआत आपकी वैसे हुई चीफ असिस्टेंट टीवी कमर्शियल का मैंने मुझे याद नहीं है फर्स्ट कैसे हुआ था फिर तो सी वंस यू आर इन द इंडस्ट्री यू स्टार्ट नोइंग पीपल यू नो पीपल कॉल यू यू नो तो वो थ्रू थ्रू कांटेक्ट कोई लैंड प्रोड्यूसर जानता है आपको कोई ईडी जानता है यहाँ पे खाली फ्री है क्या तो फ्री है नो वो हो जाता है पर आफ्टर पॉइंट यू डोंट रियली नीड टू सेंड दैट रिज्यूमे मतलब समटाइम्स यू डू आई एम नॉट सेइंग यू डोंट बट वंस यू आर इन द सर्किट Things happen. Then कभी कभी ना बोलना पड़ता है कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट नहीं ले सकता यू नो ये ऑलरेडी फिल्म पे काम कर रहा हूँ तो वो भी होता है बट असिस्टिंग हैव स्टॉप्ड सिंस मेनी इयर्स नाउ लास्ट फिल्म आई असिस्टेड ऑन वाज इन 2014 या 16 आई थिंक सो लास्ट 4-5 इयर्स आई हैव नॉट बीन एन एडी रियली बट आई एम गेसिंग थिंग्स आर स्टिल द सेम मतलब What I don't know right now is the current salary क्या होगी उन लोग की क्या वो सब मुझे इतना वो actually बहुत ज़्यादा negotiation पे base भी रहता है किसी किसी को बहुत ज़्यादा मिल जाता है किसी को कुछ भी नहीं मिलता है I always tell you it is better to enter into advertising than to films advertising में एक तो easy access है थोड़ा सा better है मतलब easy access comparatively है और पैसा अच्छा है at least आप survive कर पाओगे तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप advertising से शुरुआत करिए अपनी
बट ऐसा आई वुडन्ट से बेटर, आई वुडन्ट जनरलाइज दैट, मतलब इट रियली डिपेंड इफ यू आर फाइंडिंग वर्क इन फिल्म, यू नो, बिकॉज अगर आपको एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वैसे थोड़ी डिफरेंट है, मतलब यू नो वहाँ टेक्नीशियंस वेरी इजिली मूव अराउंड, बट नॉट ऑल डायरेक्टर्स मूव अराउंड वेरी इजिली फ्रॉम हाँ एड टू फिल्म. सो अगर इफ यू वॉन्ट टू रियली मेक नेटवर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड यू आर ओके विथ मेकिंग लिटिल लेस मनी टू स्टार्ट ऑफ विथ, देन प्रॉब्ली इट्स अ गुड आइडिया कि फिल्म में टिके रहो एंड यू बिकम बिग इन फिल्म. लाइक एंड देर आर कीप फर्स्ट पेशेंस. सिटीज, हाँ, लाइक देर आर फर्स्ट सिटीज हु चार्ज लाइक अ ह्यूज अमाउंट व्हेन दे बिकम रियली गुड एट व्हाट दे डू. मतलब यू नो सम सम ऑफ देम मेक मोर देन डायरेक्टर्स, यू नो दे आर सो बिग, दे आर द मोस्ट सॉट आफ्टर फर्स्ट सिटीज. तो इफ यू रीच दैट, अभी और डिमांड भी बहुत है, टू बी ऑनेस्ट, देर आर नॉट मेनी गुड फर्स्ट सिटीज एंड सो मेनी वेब सीरीज आर बीइंग मेड, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर गुड फर्स्ट सिटीज. सो इफ यू कैन स्टिक टू एक्चुअली आई डिड एन एड विद अनुराग कश्यप, तो उसमें चीफ एडी थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई, तो मैं बाद में एक और ऐड कर रहा था एज अ सेकंड एडी. अच्छा तो मैंने उनको अच्छा फोन किया कि मैंने कहा आप चीफ एडी करेंगे, एक ऐड कर रहा हूँ मैं, तो कहते क्या हाँ बजट है. मैंने उनको बजट बताया तो कहते सुनो हाँ बोलो ना मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. क्या चार्ज करते हो आप पर डे? कहता मैं 1.5 लाख चार्ज करता हूँ. मैं 1.5 लाख? 1.5 लाख कौन चार्ज करता है? सो इट वेरीज एक्चुअली बेस्ड ऑन निगोशिएशन, आपका एक्सपीरियंस क्या है, किस तरह से आप कितना चार्ज करते हो. अमेजिंग, सही है. तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, अभी आप आगे क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं? तो अभी एक वेब सीरीज मैं लिख रहा हूँ, इन द राइटिंग रूम ऑफ अ वेब सीरीज. इट्स नॉट अनाउंस्ड येट, सो आई आई कांट टॉक अबाउट इट, बट इट इज अ मेजर प्रोडक्शन हाउस एंड इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स. सो वो एक है, देयर इज अ इंडी फीचर फिल्म व्हिच मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, बट लाइक यू आर वी आर प्लानिंग वर्किंग टू ऑन डू. थिंग्स. हाँ, सो आई एम होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई एम गोना साइन दैट, सो दैट आई एम गोइंग टू डायरेक्ट एंड आई डेवलप द स्टोरी विद अ राइटर, ही इज गोना राइट द स्क्रिप्ट. So these two things are in the pipeline. Baki that short film I told you, which I'm directing away. In fact, in 15 days I'm shooting that. So wo hai, and baki ha, So you're doing a lot of things. lot of other writing which I'm pitching, web series and films. And so the more you create, the more probability you have to True. get something made. एक लास्ट क्वेश्चन ये है मेरे आपसे कि अगर किसी लड़के को जो कि मुंबई से बाहर है, इसको नॉलेज है, या आपको असिस्ट करना चाहता हो, तो व्हाट आर द क्वालिटीज यू आर लुकिंग इन असिस्टेंट डायरेक्टर दैट यू वांट टू हायर? हाउ शुड दे अप्रोच यू विद व्हाट क्वालिटीज? सी क्वालिटी, मतलब यार इफ यू हैव अ ड्राइव टू लर्न, यू नो, सी फॉर अ फर्स्ट एडी आई वुड वांट समवन हु इज एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस फॉर टू. सम फॉर समवन हु इज मे बी जस्ट एन इंटर्न और अ सेकंड सेकंड और थर्ड एडी, एज लॉन्ग एज दे आर, एज आई सेड, एडिंग वैल्यू टू द प्रोजेक्ट, यू नो, दे आर एबल टू देन दे अंडरस्टैंड कि यार ये काम अचीव करना है, दे फिगर आउट हाउ टू डू इट, देर आर ऑब्स्टिकल्स, दे डोंट लेट यू नो ऑफ द प्रॉब्लम्स, दे सॉल्व द प्रॉब्लम, यू नो. सो यू हैव टू हैव दैट थिंग कि बॉस आई हैव टू बी यूजफुल टू द प्रोजेक्ट, आई हैव टू help the film. If they're working for the film, not for someone, because film is the most important thing. You know, it doesn't matter if you fight with someone on the set, yeah, whatever happens, as long as you have the best of film for you, you know, in your mind, that's the most crucial thing. You know, that's why even the kind of fights are important. Are you fighting because you have an ego, because you got hurt by something, or are you fighting because, you know, you're trying to do something for the film which is better, you know, which is more of a creative fight. I'm not saying ki wo set pe jhagde hote waise type ke jhagde, but I'm just saying ki like a lot of times with You DOP take and a your director, stand. You have take your yeah, like a stand. lot of them, they would have a disagreement ki nahi yaar ye aise better hai, you know, like ultimately obviously you have to come to a decision, but it's good to disagree, it's good to you know have a different point of view. But I someone who can really get things done, yeah, someone who can really you know, even if they Good don't know how to at do it, editing, they'll good at learn. editing. Learn how to do it and just figure things out. मुझे पता है कुछ ऐसे एडीज होते हैं जिनसे कुछ काम बताओ मुंबई में, ये सामान लेके आओ तो सर कहाँ मिलेगा? अगर मुझे ही बताना है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो तेरे को क्यों रखा है यहाँ पे? सो दैट हैपेंस एक्चुअली. एनीवेज चिंता, इट वाज रियली 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 नाइस टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम. मुझे पता है आप बहुत बिजी थे और मैं 6 महीने से आपके पीछे पड़ा हूँ कि मुझे इंटरव्यू दे दो, आप इंटरव्यू दे दैट्स दो. ओवर स्टेटमेंट. मतलब मैं वाज इन अ सिटी वेयर इंटरनेट वाज नॉट गुड, तो मैं 6 महीने इतना नहीं बिजी नहीं वो नहीं था, बताया था बट आपने मुझे. नहीं पर मैं पीछे तो पढ़ा हूँ, ये वैसे तो आप मानते हो, पीछे तो पढ़ा था मैं आपके. आई रियली नहीं, बट वांटेड टू थैंक टॉक टू यू, यू. यू आर वेरी थैंक एरुडाइट, यू आर वेरी यू. नॉलेजेबल, एंड योर इंटरव्यूज हेल्प्ड, एंड आई एम प्रीटी श्योर इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हु वांट्स टू बिकम डायरेक्टर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू बाय जितेंद्र, बाय थैंक यू बाय फॉर बाय. हैविंग मी.